नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास में कैलेंडर जो टॉपिक अपना चल रहा था उसमें आगे के सवाल आगे बढ़ेंगे। उन सवालों में हमने पहले पार्ट में देखा था कि सबसे पहले हमें देखने हैं वर्ष, और वर्ष हैं एक है साधारण वर्ष, एक है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में महीनों के जो कोड हैं वो हैं 144, 025, 036, 146। उसके बाद हैं लीप वर्ष में 03, 40, 25, 036, 146। तीसरा पॉइंट है वो है शताब्दी कोड। शताब्दी में 400 का भाग देने पर शेष 100 बचे, कोड 4 है, शेष 200 बचे, कोड 2 है, शेष 300 बचे, कोड 0, शेष 0 बचे, कोड 6। उसके बाद है दिन के कोड। सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है वो होता है सोमवार, लेकिन यहां पर दिन के कोड लेने हैं तो दिन के जो कोड हैं रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। उसके बाद आगे है दिन निकालने का सूत्र, और सूत्र है तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी। तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटे में 7। तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटे में 7, यह है दिन निकालने का सूत्र। उसके बाद में एग्जाम्पल है तीन मई 2005 को कौन सा बार था। तीन मई 2005 को कौन सा बार था, तो हमें इस नियम के माध्यम से 3 मई 2005 का दिन निकालना है। और दिन निकालने के लिए इस नियम में सबसे पहले लेंगे तारीख, तारीख है हमारे पास 3, प्लस माह, माह है भैया मई, तो मई का कोड हमें लेना है, और मई का कोड लेंगे महीनों के कोड से। महीनों के कोड हैं साधारण वर्ष में अलग हैं, लीप वर्ष में अलग हैं। वर्ष देखना है, वर्ष कौन सा है, वर्ष है 2005। 2005 जो वर्ष है वो एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में साधारण वर्ष के महीनों के कोड और वो है 144, 025, 036, 146। हमें मई का कोड लेना है तो मई का कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो मई का कोड निकल के आया भैया 2। मई का कोड है 2, तो माह के स्थान पर रखेंगे 2, प्लस वर्ष, वर्ष की जो संख्या है वो संख्या है हमारे पास 5, और इन 5 वर्षों में आगे निकालने हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष निकालने के लिए लीप वर्ष बराबर वर्ष बटे में 4 बराबर भागफल, वर्ष बटे में 4 बराबर भागफल। लीप वर्ष निकालना है तो कोई भी वर्ष हो उसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वही लीप वर्ष की संख्या। तो यहां पर वर्षों की जो संख्या है वो है 5, तो 5 में भाग देंगे 4 का, तो भागफल जो आएगा वो आएगा 1, भागफल होगा भैया 1, तो लीप वर्ष की संख्या भी होगी 1। उसके बाद है शताब्दी।
शताब्दी में भाग देंगे 400 का, और शताब्दी में 400 का भाग देने पर शेष बचेगा 0, और शेष 0 बचेगा तो उसका कोड होगा 6। तो यहाँ शताब्दी का कोड होगा 6/7। सबसे पहले तारीख लेंगे, तारीख है 3, उसके बाद माह, माह है मई, मई का जो कोड है क्रमांक है वो है 2, तो मई का कोड लेंगे 2। उसके बाद वर्ष, वर्षों की जो संख्या है वो है 5, 5 के अंदर जो लीप वर्ष निकलेंगे उनकी संख्या है 1, और उसके बाद है शताब्दी, शताब्दी में हमेशा भाग देंगे 400 का, 400 का भाग देने पर शेष 0 बचेगा तो उसका जो कोड होगा वो होगा 6। यानी कोई भी लीप शताब्दी वर्ष है तो उसका कोड हमेशा 6 होगा, 7। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17/7, 17/7। अब जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर है। शेषफल लेके आना है भैया आपकी बार, तो 17 में भाग देंगे 7 से, तो भाग जो जाएगा वो जाएगा 2 बार, और शेष जो बचेगा, शेष बचेगा 3, शेष बचेगा भैया 3, और 3 शेष जो बचेगा तो उसका जो कोड होगा, 3 कोड है मंगलवार का, तो 3 मई 2005 का जो बार होगा वो होगा मंगलवार। तो इस नियम से हमने तारीख दी हुई है, उस तारीख का बार यानी दिन हमने निकाला है, तो दिन जो हमारे पास शेष बचेगा उसी का कोड हम यहां से निकालेंगे। शेष है हमारे पास 3, तो 3 जो होगा उसका कोड है मंगलवार, तो 3 मई 2005 का जो दिन आया वो आया मंगलवार। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जाम्पल है 8 अगस्त 1925 को कौन सा दिन था। 8 अगस्त 1925 को कौन सा दिन था, तो यहां पर हमें तारीख लेनी है, तारीख है 8 प्लस माह, माह का कोड है अगस्त, और अगस्त का जो क्रमांक होगा, अगस्त का जो कोड होगा वो हमें अगस्त का कोड लेना है महीनों के कोड से, महीनों के कोड से अगस्त का कोड है 3, अगस्त का कोड आएगा 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, तो अगस्त का जो कोड है वो है 3 प्लस वर्ष, वर्ष में जो संख्या आएगी वो संख्या आएगी भैया 25, वर्षों की जो संख्या है वो है 25 प्लस 25 के अंदर जो लीप वर्ष होंगे उनकी संख्या निकालनी है, तो 25 में लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में भाग देंगे 4 का, और जितनी बार जो भाग जाएगा वो लीप वर्ष की संख्या, 25 में भाग जाएगा भैया 4 का और वो जाएगा 6 बार, तो लीप वर्ष की जो संख्या होगी वो होगी आपकी 6। तो यहां से लीप वर्ष की संख्या हो गई 6 प्लस शताब्दी, अब की बार जो शताब्दी है वो है आपके पास 1900 में भाग देंगे 400 का, 1900 में भाग देंगे 400 का, तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो शेष बचेगा भैया 300, शेष बचेगा 300, और 300 जो शेष है उसका जो कोड होगा वो होगा 0, 300 शेष है तो उसका कोड है 0। हमें यहां 1900 में भाग देना है 400 का, 400 का भाग देंगे 4 बार, तो ये जाएगा 1600, शेष बचा 300, 300 शेष के लिए जो कोड होगा वो होगा 0, तो हम यहां पर शताब्दी का जो कोड लेंगे वो लेंगे 0। उसके बाद है 7/7,
बटे में सात, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटे में सात, ऊपर वाली सभी संख्या जोड़कर सात से डिवाइड करेंगे, तो आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह और पच्चीस छत्तीस, छत्तीस और छह बयालीस, ये आया भैया बयालीस बटे में सात। आठ और तीन ग्यारह, ग्यारह और पच्चीस छत्तीस, छत्तीस और छह बयालीस, बयालीस बटे में सात। अब यहां पर जो शेष आएगा, शेष आएगा जीरो, क्योंकि बयालीस जो है वो सात से पूरी तरह कट जाएगा और पूरी तरह कटेगा तो जो शेषफल होगा, शेषफल आएगा भैया जीरो, और जीरो जो शेषफल है तो उसका जो बार होगा, जीरो का जो बार है वो है शनिवार। तो यहां पर 8 अगस्त 1925 का जो बार होगा वो होगा शनिवार। 8 अगस्त 1925 का जो बार आया निकल के वो आया भैया शनिवार। तो उसके बाद आगे की बात करते हैं, आगे जो टाइप है उस टाइप में सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों में सबसे पहले जो सवाल हैं वो हैं समान पंचांग महीने, समान पंचांग महीने, समान पंचांग महीनों के लिए ऐसे महीने जिनके डेट में वही दिन आएगा कि उनमें डेट भी समान है और दिन भी समान है, वो है समान पंचांग महीने। तो समान पंचांग महीने के लिए ये जो महीनों के कोड हैं, यदि ये किन्हीं दो महीनों के आपस में समान मिल जाते हैं तो वो दोनों महीने समान पंचांग महीने कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं वर्ष 2005 में जनवरी माह के समान, वर्ष 2005 में जनवरी माह के समान और कौन सा महीना है, ये होगा समान पंचांग महीने। वर्ष 2005 में जनवरी माह के समान और कौन सा महीना है, तो भैया हमें देखना है वर्ष 2005 जो है वो है आपका साधारण वर्ष। कैसा वर्ष है? साधारण। तो समान पंचांग महीनों के लिए साधारण वर्ष के हम कोड देखेंगे महीनों के, हमसे दिया गया है जनवरी माह का, कि जनवरी माह के समान और कौन सा महीना होगा। तो साधारण वर्ष में जनवरी का जो कोड है वो है भैया एक, साधारण वर्ष में जनवरी का जो कोड है वो है एक। तो उन्हीं साधारण वर्ष के महीनों में अन्य किस महीने का कोड एक है, तो वो है भैया आपका अक्टूबर। जनवरी का एक है और अक्टूबर का एक है। तो वर्ष 2005 में जनवरी माह के समान जो महीना होगा वो होगा आपका अक्टूबर। जनवरी माह के समान जो महीना होगा वो होगा अक्टूबर। ये समान पंचांग महीने हैं कि यदि एक जनवरी को यदि मंगलवार है तो एक अक्टूबर को भी मंगलवार होगा। अगर हम बात करें कि 5 जनवरी को शनिवार है तो 5 अक्टूबर को भी शनिवार होगा। ये समान पंचांग महीने होते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल है वर्ष 2012 में फरवरी माह के समान, वर्ष 2012 में फरवरी माह के समान और कौन सा महीना है, और कौन सा महीना है,
तो हमें देखना है 2012, 2012 जो वर्ष है वो है भैया लीप वर्ष, और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं। तो लीप वर्ष में फरवरी का जो कोड है वो है 3, लीप वर्ष में फरवरी का कोड है 3। तो अन्य किस महीने का कोड 3 है, तो हमें यहां से मिलान करना है, हमें मिलान करना है फरवरी का 3 है, और उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 3 मिलता है भैया अगस्त का, एक तो है फरवरी का और एक मिलेगा अगस्त का। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0 और अगस्त का 3। तो यहां पूछ रहा है वर्ष 2012 में फरवरी माह के समान कौन सा महीना होगा, तो यहां फरवरी के समान जो कोड है वो है अगस्त का, तो इसके समान जो महीना होगा वो होगा भैया अगस्त। कि एक लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त के जो दिन है वो समान होंगे। इसके बाद जो आता है वो है तीसरा एग्जाम्पल है भैया वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में नवंबर माह के समान, वर्ष 2017 में नवंबर माह के समान और कौन कौन से महीने हैं, और कौन कौन से महीने हैं, तो यहां पर जो वर्ष है वो है 17, और 17 जो वर्ष है वो है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में नवंबर माह का कोड देखना है, साधारण वर्ष में नवंबर माह का जो कोड है वो है भैया 4, तो नवंबर का कोड है 4। उसके बाद अन्य किन महीनों के कोड है 4, तो हम आगे देखते हैं तो हमें मिलता है मार्च का कोड है 4, और उसके बाद हमें मिलता है फरवरी का कोड। तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों महीने समान पंचांग महीने कहलाएंगे। तो नवंबर माह के समान एक तो मिलेगा भैया फरवरी और एक मिलेगा मार्च। फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों समान पंचांग महीने हैं, तीनों ही समान पंचांग महीने हैं। तो यह था समान पंचांग महीने। आगे की यदि हम बात करें तो आगे जो अगली टाइप है वो है समान पंचांग वर्ष, समान पंचांग वर्ष, समान पंचांग वर्ष। और समान पंचांग वर्ष में नंबर एक है लीप वर्ष, और नंबर दो है साधारण वर्ष। नंबर एक है लीप वर्ष और नंबर दो है साधारण वर्ष। यदि हम बात करते हैं लीप वर्ष की, तो एक लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष बाद, एक लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष बाद अपने आप को दोहराता है। अपने आप को दोहराने का मतलब है कि एक लीप वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 28 वर्ष बाद दोबारा से प्रयोग में होगा। तो लीप वर्ष के लिए 28 वर्ष आगे जोड़ देते हैं, और यदि पहले की बात कर रहा है प्रीवियस में तो 28 वर्ष उसमें से घटा देते हैं। लेकिन 28 वर्ष जोड़ने पर और 28 वर्ष घटाने पर लीप वर्ष ही प्राप्त होगा, क्योंकि लीप वर्ष में एक जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, तो अगले वर्ष में भी हमें लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की मिलेगी, तब जाके समान पंचांग वर्ष कहलाएंगे।
तो 28 वर्ष जोड़ने पर या 28 वर्ष घटाने पर हम कैलेंडर का दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वर्ष 2012, वर्ष 2012 का कैलेंडर, वर्ष 2012 का कैलेंडर दोबारा से कब प्रयोग में होगा, दोबारा से कब प्रयोग में होगा, तो उसके लिए हमें देखना है 2012 जो वर्ष है वो कैसा वर्ष है। 2012 जो वर्ष है वो है लीप वर्ष, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोबारा से प्रयोग में होगा। तो 2012 में 28 वर्ष प्लस कर देंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2040। 2012 का सेम कैलेंडर हमें मिलेगा भैया 2040 में। 2012 में 28 वर्ष जोड़ देंगे, उसके बाद जो कैलेंडर मिलेगा वो मिलेगा 2040 में। अगर हम पहले की बात करते हैं प्रीवियस में, तो इतने ही वर्ष हमें घटाने हैं। जैसे वर्ष 2016 का कैलेंडर, वर्ष 2016 का कैलेंडर कब का दोहराया हुआ है। अब यहां पर बात कर रहा है पहले की, वर्ष 2016 का कैलेंडर कब का दोहराया हुआ है। तो भैया 2016 जो वर्ष है वो है लीप वर्ष। 2016 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। तो यहां पर लीप वर्ष के लिए 28 वर्ष हमें जोड़ना है और 28 वर्ष घटाना है। अगर हम पहले की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कब का दोहराया हुआ है, तो दोहराने का मतलब है हम उनमें से 28 वर्ष माइनस कर देंगे। तो 2016 माइनस 28, 2016 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक लीप वर्ष में ही होगा। 16 में से हम माइनस करेंगे 28, तो यहां से माइनस करेंगे भैया, तो ये आया हमारे पास 8। उसके बाद यहां होगा 10, 10 में से 2 घटाया तो भी आया हमारे पास 8। और उसके बाद आगे की संख्या होगी वो होगा 1988। तो 2016 का जो कैलेंडर है वो पहले कब दोहराया गया था, कब का दोहराया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 1988। लेकिन ये निश्चित है कि एक लीप वर्ष का कैलेंडर अगले लीप वर्ष में ही प्रयोग होगा, कभी भी साधारण वर्ष में प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है साधारण वर्ष। तो भैया लीप वर्ष के लिए हमने किया है 28 वर्ष जोड़ा है और 28 वर्ष घटाया है। अगर हम बात करते हैं साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष के लिए 6 या 11 वर्ष का अंतर कैलेंडर को दोहराता है। साधारण वर्ष में 6 या 11 वर्ष बाद कैलेंडर अपने आप को प्रयोग में लाता है। लेकिन यह भी निश्चित है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही प्रयोग होगा, कभी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग नहीं होगा। अब उसके लिए हमें कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर 6 कब लेना है और 11 कब लेना है, तो उसके लिए एक छोटा सा नियम है, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे में 7, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे में 7।
तो यहाँ पर वर्षों का जो अंतर लेना है वो निश्चित है, या तो 6 लेना है या 11 लेना है। हमें दोनों में से एक लेना है कि या तो 6 लेंगे या 11 लेंगे। अगर 6 लेते हैं और उसके बाद लेंगे लीप वर्ष, पहले की बात कर रहा है तो 6 माइनस करेंगे या 11 माइनस करेंगे, और बाद की बात करेगा तो 6 प्लस करेंगे या 11 प्लस करेंगे। लेकिन 6 या 11 प्लस करने पर वो साधारण वर्ष ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए वर्ष 2014 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग में होगा, वर्ष 2014 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग में होगा। तो यहां पर जो वर्ष है वो है 2014, यानी वर्ष है 14, और 14 जो वर्ष है वो है साधारण वर्ष। तो यहां पर या तो हमें 6 जोड़ना है या 11 जोड़ना है। अगर हम 2014 में 6 जोड़ते हैं प्लस 6 करते हैं तो हमें नया वर्ष मिलता है 2020। लेकिन यहां पर भैया 2014 तो साधारण वर्ष है लेकिन 2020 साधारण नहीं है, 2014 तो साधारण है लेकिन 2020 साधारण नहीं है। तो 2014 में हम 6 नहीं जोड़ेंगे, हमें 2014 में जोड़ना है 11। 2014 में हम 11 जोड़ेंगे तो मिलेगा 2025, हमें मिलेगा भैया 2025। 2014 भी साधारण वर्ष है, 2025 भी साधारण वर्ष है। तो 2014 का जो कैलेंडर प्रयोग में होगा वो होगा 2025 में, और हमें इस नियम से निकालना है। तो वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, वर्षों का अंतर लिया हमने 11, वर्षों का अंतर लिया है भैया 11, और 11 जो अंतर लिया है उसे जोड़ने के बाद बनता है 2025। अब लेने हैं लीप वर्ष, तो 2014 से 2025 के बीच कितने लीप वर्षों की संख्या आई, या 2014 से 2025 के बीच में लीप वर्षों की कुल संख्या हमें निकालनी है। तो 2014 के बाद अगला जो लीप वर्ष है वो है 2016, एक लीप वर्ष। उसके बाद दूसरा लीप वर्ष आ रहा है 2020, दो लीप वर्ष, और तीसरा लीप वर्ष आ रहा है 2024। तो भैया कहने का सीधा सा अर्थ है कि 2014 से और 2025 के बीच में हमारे पास लीप वर्ष की संख्या आई 3। तो हमने वर्षों का अंतर लिया 11 और उसमें लेंगे लीप वर्ष हमारे निकल के आए 3/7। 11 + 3/7 बराबर होगा 14/7। अब यदि हमारे पास वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष 7, अब यदि इसका शेष फल यदि 0 आता है तो उतना ही अंतर लेना है जितना आपने जोड़ा है। अगर ये अंतर शेष फल 0, 6 जोड़ने पर आएगा तो अंतर 6 लेंगे, और यदि 11 जोड़ने पर आएगा तो अंतर 11 लेंगे। तो यहां पर जो शेष फल आएगा, शेष फल है भैया 0, क्योंकि 14 जो है वो 7 से पूरी तरह कट रहा है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा और शेष फल 0 होगा। तो हमारा वर्षों का जो अंतर है या कैलेंडर प्रयोग में जो हो रहा है वो होगा 2014 का 2025 में। अगला एग्जांपल, वर्ष 2011 का कैलेंडर कब का दोहराया हुआ है, वर्ष 2011 का कैलेंडर कब का दोहराया हुआ है। तो यहां पर पहले की बात कर रहा है, पहले के लिए या तो 6 माइनस करेंगे या 11 माइनस करेंगे। यदि 2011 में से हम 11 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 2000,
2011 में से 11 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2000, लेकिन 2011 जो वर्ष है वो है साधारण, और 2000 जो वर्ष है वो है लीप शताब्दी वर्ष। कैसा वर्ष है भैया 2000? लीप शताब्दी वर्ष। तो यहां पर हम 11 का अंतर नहीं लेंगे, हमें जो अंतर लेना है वो अंतर लेंगे हम 6 का। अब 2011 माइनस 6 बराबर 2005, 2011 माइनस 6 बराबर 2005, तो 2011 भी साधारण वर्ष है और 2005 भी साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही प्रयोग होगा, तो उसके लिए अब नियम से यदि हम निकालते हैं तो वर्षों का अंतर हमने लिया है 6 प्लस, अब इस अंतर में आने वाले लीप वर्ष 2011 से 2005 के बीच जो लीप वर्ष की संख्या आ रही है वो है भैया 1, और यहां पर जो लीप वर्ष आ रहा है वो है 2008। कौन सा है लीप वर्ष? 2008। तो लीप वर्ष की जो संख्या आई वो आई 1, तो वर्षों का अंतर लिया 6 और उस अंतर में आने वाले लीप वर्ष की संख्या होगी 1/7। यहां भी शेष जो है वो शेष होना चाहिए भैया 0, तो 7/7 बराबर शेष फल जो मिलेगा, शेष फल मिलेगा 0। तो यहां पर 2011 का कैलेंडर कब का दोहराया हुआ है तो ये होगा भैया 2005 का। 2011 का जो कैलेंडर है वो 2005 का दोहराया हुआ है। यह है समान पंचांग वर्ष। एक एग्जांपल और लेते हैं, वर्ष 1952 का कैलेंडर, सॉरी वर्ष 1950 का कैलेंडर आगे किस वर्ष प्रयोग में किया गया होगा? वर्ष 1950 का कैलेंडर आगे किस वर्ष में, आगे किस वर्ष में प्रयोग किया गया होगा? तो हमें देखना है 1950 में जो वर्ष है वो है 50, और 50 जो वर्ष है वो है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष के लिए या तो 6 जोड़ना है या 11 जोड़ना है। यदि 6 जोड़ते हैं तो ये बनता है भैया 1950 प्लस 6 1956। वही कंडीशन है पहले वाली, 1950 जो वर्ष है वो है साधारण वर्ष और 1956 वो है लीप वर्ष। 1950 है साधारण वर्ष, 1956 है लीप वर्ष, तो 1950 का कैलेंडर 1956 में प्रयोग नहीं होगा। तो अब उसके लिए हमें जोड़ना है उसमें 11, 1950 में हम 11 वर्ष प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1961। अब यहां पर दोनों वर्ष साधारण है, 1950 भी साधारण है और 1961 भी साधारण है, तो 1950 का जो कैलेंडर है वो 1961 में प्रयोग होगा। यदि नियम से निकालते हैं तो हमने वर्षों का अंतर लिया है 11, तो वर्षों का अंतर 11 प्लस उस अंतर में आने वाले लीप वर्ष, और अंतर में आने वाले लीप वर्ष हैं 1950 से और 1961 तक। लीप वर्ष की जो संख्या है एक तो है भैया 1952, नंबर दूसरा है 1956, नंबर तीसरा है 1960। तो 1950 से 1961 तक जो लीप वर्ष की संख्या आई है वो है हमारे पास 3, तो वर्षों का अंतर
प्लस उस अंतर में आने वाले लीप वर्ष तीन, वर्षों का अंतर 11 और उस अंतर में आने वाले लीप वर्ष तीन, तो 11 प्लस 3 बटे में 7 तो ये होगा 14 बटे में 7। अब यहां पर भी जो शेषफल मिलेगा, शेषफल मिलेगा भैया 0, क्योंकि 14 जो है वो 7 से पूरी तरह विभाजित है, तो शेषफल जो आएगा वो आएगा 0। तो वर्ष 1950 का जो कैलेंडर है वो 1961 में दोबारा से दोहराया जाएगा। ये है भैया समान पंचांग वर्ष। समान पंचांग वर्ष में यदि लीप वर्ष है तो 28 वर्ष जोड़ने हैं, 28 वर्ष घटाने हैं, और यदि साधारण वर्ष है तो 6 वर्ष जोड़ने हैं या 11 वर्ष जोड़ने हैं। पहले की बात करेगा तो 6 वर्ष घटाने हैं या 11 वर्ष घटाने हैं।